नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक न्यू यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुके हैं, यानी आपका जो $10 है वो कंप्लीट हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप कर चुके हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के कितने दिन बाद आपका जो गूगल एडसेंस पिन होता है वो गूगल एडसेंस पिन आपके घर तक आता है और कब तक आपको ये गूगल एडसेंस पिन आपके हाथ में मिल जाता है, टोटल जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करते हैं, कब तक आपके डॉक्यूमेंट यानी आपके डॉक्यूमेंट के हाथ में आता है और कब आपको मिलता है, आपको आज की इस वीडियो बताने वाला। बस आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, वीडियो के एट लास्ट तक आपको भी ये समझ में आ जाएगा क्या कब और कैसे यहाँ पे आपका जो गूगल एडसेंस पिन है कितने समय में आता है और कहाँ से आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर ना और विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, जो गूगल एडसेंस पिन है इसको आप जैसे ही आपके यूट्यूब पर $10 यानी आपके $10 कम्प्लीट हो जाते हैं, $10 कम्प्लीट होने के बाद आपके गूगल यानी आपके जो YouTube है, YouTube की तरफ से एक मेल आ जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर उस समय अगर आप उसको उस मेल को इग्नोर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपका जो चैनल है वो 30 या फिर 60 दिन के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके चैनल को YouTube ने डीमोनिटाइज कर देते हैं। यानी जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको डीमोनिटाइज ही रहना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आप पेन कार्ड लगाकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे एड्रेस, जब भी आप लिखे एड्रेस तो एड्रेस लिखने के ठीक नीचे आपको पास में मोबाइल नंबर यानी जो मोबाइल नंबर पे फोन लग सके वो मोबाइल नंबर आपको देना है ताकि आपका जो एडसेंस पिन है जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। देखिए, आज 15 तारीख है, 15 तारीख को आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कर देते हैं तो ठीक आपको 15 दिन बाद आपके डॉक्यूमेंट के हाथ में जो होता है ये गूगल एडसेंस पिन वो मिल जाता है। उसके बाद से उसके पास 1 सप्ताह का टाइम रहता है, 1 सप्ताह में आपको कभी भी ला कर दे सकते हैं, उस पिन को आप रिसीव कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से बात करते हैं कि जो आपका गूगल एडसेंस पिन है वो कहाँ से आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा कि ये जो गूगल एडसेंस पिन है, जैसे कि आपका जो एड्रेस होगा उसके ठीक नीचे यहाँ पे कोना में आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि जो आपका गूगल एडसेंस पिन है वो कहाँ से आया है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिलता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गूगल एडसेंस। उसके बाद से इसको जैसे कि आपको गूगल एडसेंस पिन को फाड़ना होगा तो इसको आपको सबसे पहले इसको ऐसे रिमूव करना है, जैसे कि इसको ऐसे मोड़ना है, आपको दोनों साइड से ऐसे मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ कर उसके बाद से दोनों साइड से ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद सिंपली आपको इसको काटना है, उसके बाद से ऐसे आपको जैसे कि यहाँ से भी आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद सिंपली आपको इसको ऐसे फाड़ लेना है, जैसे यहाँ पर आप इसको फाड़ेंगे, फाड़ने के बाद यहाँ से आप जैसे कि साइड से आपको इजिली कुछ इस प्रकार से उसको एक बार आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ही आपको फाड़ना, जैसे फोल्ड करके फाड़ेंगे तो फाड़ने में आपको आसानी होगा, तो इजीली आपको फोल्ड करके ऐसे इसको आपको फाड़ लेना। फाड़ने के बाद सिंपली आपका जो गूगल एडसेंस पिन होगा वो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपली गूगल एडसेंस जो पिन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो आपका गूगल एडसेंस पिन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको योर पिन देखने को मिल जाएगा जो कि 6 अंक का, उस पिन को आपको डालकर उसके बाद से आपको क्या करना है कि अपने जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करते वक्त आपको बैंक अकाउंट का जो स्विफ्ट कोड होता है उस स्विफ्ट कोड को आपको मालूम कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो गूगल एडसेंस पिन है वो आपके हाथों तक पहुंचता है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर ना विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।